मैं प्रमोद अपने इस चैनल पीके इंटीरियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि किसी भी साइज के ड्रावर का तलिया कैसे मिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ड्रावर का तलिया जो है हम इसके अंदर रख लेंगे और उसके बाद सामने से प्लाई लगा के या कोई भी आप किसी भी साइज का बॉटम रख के सामने से बराबर करके जिधर इतना गैप आता है उसके बाद इसको पिन से ऐसे मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करके रंधा मार के हम सटा लेंगे। चलिए दोस्तों रंधा मारते हैं। लेवल कर लिए उसके बाद ये हमारा जो काटकोना होता है इसका साइज के बारे में, ये इसका स्टॉक होता है, ये ब्लेड होता है। स्टॉक इसका हमारा 1 इंच 1 सूत है। इसका स्टॉक के हिसाब से 1 इंच 1 सूत हम परफेक्ट मार्किंग करेंगे। अंदर बाहर दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद मार्किंग करने के बाद जिधर साइड हमारा कम रहेगा, अगर अंदर पीछे साइड कम रहता है तो पीछे साइड के हिसाब से हम अपना माइनस, दोनों सेम साइज रहना चाहिए, जितना आगे रहेगा उतना पीछे भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद इसको हम कटर मशीन से काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पीछे का साइड थोड़ा सा ज्यादा है और आगे का साइड थोड़ा कम है। तो हम इसको क्या करेंगे, आगे के साइज के हिसाब से जितना आपका कटर मशीन का गेज है उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग मार लेंगे। फिर उसके बाद मेजर टेप देख लेंगे कहाँ है। फिर उसके बाद यही साइज में हम पीछे भी करेंगे, पीछे मार्किंग मार के फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये ड्रावर का तलिया मिलके तैयार हो गया है। और उसके बाद इसकी डीप कम आप हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप ड्रावर का मोड़िया अगर 1 इंच है तो पीछे से हम लोग 1 इंच कम कर देंगे। अगर आपका ड्रावर का मोड़िया 1.5 इंच है तो आप 1.5 इंच कम कर देंगे। 1.5 इंच कम करने से अगर आप इसको डायरेक्टली ठोकते हैं, अगर इसको ऊपर से ठोकते हैं तो फिर आपको 1.5 इंच नहीं पीछे से 3 सूत कम करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर झिरी मार के और उसके बाद इसको अंदर 3 सूत डालते हैं तो आपको 1.5 इंच कम करना पड़ेगा। और पीछे से कम 3 सूत कम रहेगा, जगह रहेगा तो आपको ड्रावर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।